आपको तो पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। आंसर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने बिना मूंछ के जो फिल्म की थी लम्हे, उससे आपके भाई संजय कपूर हमेशा अपनी फिल्म बता देते हैं। सर ये अफवाह है कि सच है? नहीं नहीं ये अफवाह है। आदित्य मलंग के पोस्टर में दिशा आपके कंधे पे बैठी है, तो अफवाह ये है कि मलंग फिल्म का पोस्टर देखने के बाद आपको विक्रम बेताल में विक्रम का रोल हो सकता है। सुना है? अफवाह है। ओके कुणाल आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से आपने महेश भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है, तो अफवाह ये है कि वो आपको पेमेंट की जगह वीडियो गेम देख के बेवकूफ बना देते थे। नहीं सच है? सही बात है। कैसे क्या करते थे वो? This was the first business deal that I ever did on my own. हम रे प्यार की शूटिंग कर रहे थे हम, और मुझे याद है कि एसएल वर्ल्ड नया नया खुला था यहाँ पे, तो हर बच्चा चाहता था वो जाए। अच्छा। और मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो हमारे स्कूल का पिकनिक था एसएल वर्ल्ड में, लेकिन एक सीन शूट करना था जो भट्ट साहब ने कहा कि यार वो आमिर जो ही सबकी डेट है तो पंगा है, तो ये इसी दिन होगा। तो माय फादर सेड कि वो आप बात कर लो, वो तो उसको पिकनिक है तो नहीं मान रहा। अच्छा। मैं कहा नहीं मैं पिकनिक ना मेरे जाना है। तो भट्ट साहब मेरे पास आए, बोले देख कि ये बहुत जरूरी है शूट, तो कुछ भी, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू मेक यू कम टू शूट, कि क्या दे सकता हूँ मैं। तो नई नई निकली थी वो वीडियो गेम निंटेंडो, तो उनने बोला ये वीडियो गेम है टीवी की, वो चाहिए तुझे? मैं ठक करके वो फ्लैशबैक में चला गया, एक ऐसा थॉट बबल खुला कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त आए, जला रहा हूँ उनको, देखो मेरे पास गेम है। सिर्फ ये सोचा मैंने। हाँ। मैंने कहा डन मैं आऊंगा। तो ये सही बात, पर यही बचपन में इनोसेंस होती है ना बचपन में, नहीं तो आदमी ये भी तो सोच सकता है कि यार मेरे को पैसे दे दो वीडियो गेम मैं खुद ही खरीद लूंगा। पर यही तो बचपन होता है। ओके नाइस। हाँ मोहित आपके बारे में क्या अफवाह है? कहते आप अपनी फिल्म गोवा में इसलिए शूट करते हैं आपको विदेशी लड़कियां देखनी होती तो क्या करो सास? ये बिल्कुल सच नहीं है। वहां मेरी सास बैठी है, बाहर कोई बुला रहा है। ओके तो ये अफवाह है। आदित्य आपके बारे में एक और अफवाह है कि क्या? ये है कि आपकी मम्मी जो है वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। हाँ। वाओ। अच्छा ट्रू। तो अफवाह ये कि जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके जाते हैं मम्मी उनसे कैट वॉक करवा के देखते हैं। ये बात सही है? नहीं ये अफवाह है दर्शकों, बड़ी सारी अफवाहें ऐसे हैं। कुणाल एक अफवाह ये कि आप सोहा की इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी भी रखी हुई है। डिक्शनरी नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसा होता था कि जब हम सारे रीडिंग वो उसकी वो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड गई तो उसकी बड़ी पक्की इंग्लिश है। हाँ। हम यहाँ पढ़े हमारी उतनी इंग्लिश है। अच्छा इंग्लिश में भी दो तरह की होती हैं? मतलब कई सारे वर्ड्स होते हैं ना जैसे। हाँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो हम जब झगड़ते थे तो मैं हिंदी में झगड़ता हूँ। अच्छा। अच्छा। वो अंग्रेजी में झगड़ती है। तो ये अच्छा है ना? अच्छा कैसे? तो बीच झगड़े में एक ऐसा बड़ा वर्ड फेंक दिया मेरे पे जो मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद आदमी कहता है मैं कभी गुस्सा करूं भी नहीं करूं। हाँ। तो मैं एक सेकंड बाथरूम गया, गूगल पे गया। उतनी देर में गुस्सा शांत। ठीक है ये तो ठीक है, मेरा हाथ चलो आगे बढ़ते। तो मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी उसके बाद। दिशा अफवाह ये है कि वैसे तो खाने में आप परहेज करती है, लेकिन पानी पूरी देख के आपके मुंह में 250 ml पानी आ जाता है। सच तो है ये। पानी पूरी की शौकीन है आप? सब लड़कियों को अच्छा लगता है ना पानी पूरी। हाँ। अब मतलब लड़कों को भी अच्छा लगता है। ओके तो ये अफवाह नहीं है, ये सच है। सच है। मोहित एक अफवाह ये है कि आप कॉमेडी फिल्म इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपने सोच रखा है कि जब मेरे पास टाइम होगा तभी बनाएंगे। हाँ, ब्रो तुम्हारा ये शो जो है ऐसा भूतकाल में चल रहे क्या? पास्ट टेंस में उल्टा जा रहे क्यों? क्यों लास्ट टाइम अनिल सर आए थे तभी वो 30 साल के थे, अभी 28 हो गए। बातें जिस मर्जी करवा लो इससे। ये लंदन से आया कुछ लेके आया उनके लिए। मैं लाई है क्या? मैं ऐसा खाली हथौड़ी आएंगे, मैं आपके लिए वो हवला लाई है। हवला? हवला नहीं क्या बोलते? हलवा। हलवा हलवा। कौन सा हलवा लेके? मैं आपके लिए सर च्यवनप्राश का हलवा लाए। च्यवनप्राश? अबे गाजर का हलवा होता है च्यवनप्राश का? नहीं सर ये फिटनेस फ्रीक आदमी है, च्यवनप्राश का हलवा ही खाते हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बताए। हाँ, ये बता तो ऐसा नॉर्मल आलू भी नहीं खाते। तो कैसे खाते हैं? ये क्या करते हैं आलू को ट्रेडमिल पे पहला दौड़ाते हैं। फिर उस
पैंट जब भी वजन कम होती है तब उसको अनिल जी सर मैं सच बोलेंगे मैं आपके लिए एक लड़की देखे है वो शादीशुदा है हाँ वो लड़की भी शादीशुदा है क्या सर मैं आपको बता सही है बेसिकली मैं मेरा माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं बहुत पसंद करती है वो आपको बहुत ज्यादा अभी तेरा पापा क्या करेगा ए मेरा पापा बहुत गरीब है उसको तो ऑनलाइन बेच देगा मैं कल मतलब ऐसा फादर हो तो मजा आए मेरे माँ के पास वैसे एक बेटा बकवास है कम से कम फादर तो झक्का होना चाहिए हो गया तेरा हो गया तेरा क्या होती है ब्रो हम क्या ऐसा शौचालय का लाइन में करें कि मेरा हो गया तो आप आदित्य जी हाँ मेरे को आपसे एक सवाल थे क्या है सर मैं देखे आज की टू में आप काफी शराब पी रहे थे मैं देखे थोड़ा बहुत जो है वो है अभी है, क्या है, करेंगे बोलने पड़ेंगे फिर ये जवानी या दीवानी में भी आप शराब पी रहे थे थोड़ा बहुत तो ये आपको काम का नशा है कि नशे में काम करने के शौक है आपको अरे उनका ना ब्रेकअप हो गया था फिल्म में ना इसलिए ब्रेकअप उनके बाद पीते थे ब्रेकअप बहुत बुरा चीज है यार वर्स्ट वर्स्ट कभी ब्रेकअप नहीं होने चाहिए इट्स द वर्स्ट मैं आप सभी लोगों से वो करेंगे वो सर आपका भी वो ऋतिक रोशन के साथ भी एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन जादूगर थे अबे जादूगर ने जादूगर थे जादूगर गुजारिश मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूं ब्रेकअप मत करो एक दूसरे से प्यार करो और मैं लड़की लोग से गुजारिश करेंगे मैम जब प्यार करो तो खाली सिक्स पैक एब्स का लड़का के साथ मत करो मैं बोलते कभी कभी मोटा लड़का लोग को भी चांस दे हमारे सीने में भी दिल है पेट में बर्गर है तो क्या हो गए सीने में दिल है लेकिन वैसे आदित्य जी आपके भाई साहब है सिद्धार्थ रॉय कपूर मैं बोल रहे थे कि वो अपना लाइफ में सब पढ़ाई लिखाई तो बहुत किए लेकिन सही मायने में एजुकेटेड वो अब हुए हैं क्यों 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 विद्या तो अभी आई ना लाइफ में कुनाल ब्रो हाउ यू डूइंग मैन गुड ब्रदर तू जानता है उनको हाँ मैं उनको तब से जानते जब तक इनका खेमू छोटे थे मतलब ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे आमिर खान के साथ टैक्सी चलाते थे मैं देखे थे अब हम दोनों में एक चीज कॉमन है क्या आप गोलमाल फिल्म की है और मैं खुद गोलमाल है मोहित जी मैं एक बात बताइए नहीं मैं खाली जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ रही है आप जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो आपका मूड बहुत खराब थी मतलब आपको क्यों नहीं इंडस्ट्री में आते आप इंडस्ट्री को जहर दे दिए दिए थे उसके बाद मर्डर कर दिए बैड मैन क्या कलयुग आ गए ये देखिए सर मैं एक ही लाइन में आपका तीन तीन पुराना पिक्चर भी प्रमोट कर दिए देखिए सोनी साहब इसके लिए मैं अलग चार्ज करेंगे सुन रहे ना तू बोल रहे हैं मैं मेरी बात सुन एक ये जो तूने अपना लुक लिया है ये तेरी अपनी चॉइस है क्योंकि टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए रमेश कपूर ये मेरा गोवा लुक है सुबह हाथ में जलेबी ले कर दे ये मेरा पोहा लुक है ये सबसे कुछ नहीं होगा मेहनत किया करो देखो कपूर इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की ओके एक्सक्यूज मी बैठ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ दिन रात ही एक किया एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया मैं आपको एक बात बता रहा हूं ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है पहला कौन है पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं टिकटॉक नहीं काम भी ठीक ठाक ही करते हैं अर्चना मैम देख लो हम लोग काम
ठीक ठॉक करते फिर भी शो नंबर वन है। वैसे कपूर देखो कितनी मेहनत की है गेटअप करने के लिए, यू नो ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करे ना। अब देख तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था, वो शी व्हाई ही इज हियर, व्हाई शी इज हियर। उसे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हां मैंने तो बोली नहीं। हां इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है क्या, तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि मतलब दिशा उनके पास बैठी है, उसका कोई रीजन नहीं होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, कर्तव्य कब दिखाएगा। Excuse me? What is it, madari and all? हाँ? आदि, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. No, really? No. पूरा बता. Well-to-do क्या होता है? Well मतलब कुआं? हाँ. तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है। मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना, वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं। लोग मदद मांगते हैं। हम सिक्के निकालते हैं। हाँ? सोने का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो अब तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे? टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो। उसकी वजह से मुंह से टर टर करते रहे, टर टर टर। अच्छा बैठ ना, बैठ बैठ दे, बैठ। मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं, टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर फर हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, और 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा। ओह गुड गॉड, सबको पता है शो में टर टर कौन करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है। और ये ना फालतू बातें कर रहा है, हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं। खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया, साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली, कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने दूंगा। मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुमसे कहां उलझ गई? सर इसे प्लीज इग्नोर कीजिए। वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है। हाँ, तो मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊं, तो अनिल सर आप लोग बताइए ना मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ। गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा। गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी। क्या? खाली बियर की बोतलें 1-1 रुपए वापस बेचो। एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, उसमें से 2 किसी और का सामान उठा लिया, और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। बेल्ट का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू, डॉक्टर कहता आप दारू पीती हैं, कहती मंगवा लो। अब बड़ी आई गोवा, चल जा। एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। पर गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? व्हाट डू यू वांट, पार्टी, यू वांट टू चिल, व्हाट डू यू वांट टू डू? चिल, वांट टू चिल, ओके, चिल। वो क्या है ना, फील द बेस्ट पर्सन टू गो विद इज अनिल सर। अनिल सर, आई डोंट माइंड आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते ये वो वाला प्रोडक्ट है, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती
और पति सॉरी बोलने जाता है। Both of us have laughed the most. इसका मुंह देखकर तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। सर ये कुछ जनता के सवाल हैं, तो जनता पूछना चाहती है। ये बहुत डेडली होते हैं। ये आपके फैंस के सवाल हैं जो सोचते हैं कि क्या स्टार्स लोग भी ऐसा करते हैं। तो सर पहला सवाल आप सबसे है, कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, पुराने दिनों की बात हो जब आप स्टार नहीं बने, ऐसे चादर बिछा के सोए कभी? आदित्य ने किया है, आपने भी किया है अनिल सर? मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया। अच्छा, मैं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया। रेलवे प्लेटफॉर्म? हाँ। वो तुम वो हिप्पी के रोल का रिसर्च कर रहे थे वो? हाँ, वो उस टाइम पे। हाँ, अच्छा, उस चक्कर में पर... मैं भी सोचूं इतना मीर एक्टर है। कुणाल आप कहाँ पे सोए थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनें लेट होती थी, 4 बजे की ट्रेन 12 बजे निकल रही है, बहुत होता था। सो गए वहीं पे। दिशा आपके साथ सेम सेम? तो नो तो किया हुआ आपने? मतलब नहीं, वो यस नो यस। उनसे अच्छा, वो सॉरी ऐसा करना, यस सॉरी यस, तो सबने किया हुआ है। ओके वाओ, हम सब की कहानी जो है वो। अच्छा, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, आपको दिखी और आपको दिखा, तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको? ताड़ा है मतलब स्टेज। मेरे फिजिक्स ही दिखता है, मैं ज्यादा जिम जाता हूँ। ये नहीं कि ताड़ों का नहीं। हाँ, वो भी प्लस शादीशुदा भी हैं, तो ऐसे सवालों से बचने के लिए। सेफ खेल रहे हो आप। आदित्य आपने किसको ताड़ा है? ब्यूटी अप्रिशिएट करना जरूरी है। अर्चना जी, मैं ये तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपने कभी जिम किया है? सॉरी, मेरे डॉलों से नहीं लगता तुझे कि मैंने जिम किया है? बिना जिम के मुझे इतने अच्छे डॉले मिले? पर नहीं, सीरियसली मतलब आप लोग तो फिर भी जिम जाते हो तो वेट घटा बढ़ा लेते हो ना, ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सीधा परमीत सर को उठाती है। दिशा, आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। अच्छा लास्ट, किसी फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद पसंद भी नहीं आया, वो बड़ी वाहियात फिल्म थी, और बाहर आके फिर तारीफ करनी पड़ी, वेरी नाइस मूवी। आई थिंक सबने किया है। पूछता मैं कौन सी पिक्चर? सबने किया। सबने किया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.